एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। चार मिसरे मौला अब्बास के वाले से देखें कि जौहरे सब्र से हसास से डर लगता था, जौहरे सब्र से हसास से डर लगता था, जंग में बिफरी हुई प्यास से डर लगता था, और शाम से करबो बला इसलिए आया न यजीद, उसको जैनब तेरे अब्बास से डर लगता था, उसको जैनब तेरे अब्बास से डर लगता था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मतलब दो तीन शेर। ये इख्तियार जहां को बता रहे हैं हुसैन, ये इख्तियार जहां को बता रहे हैं हुसैन, ये इख्तियार जहां को बता रहे हैं हुसैन, लिबास खुल्द जमी पर मंगा रहे, लिबास खुल्द जमी पर मंगा रहे हैं हुसैन, और तड़प के रह गई बैत की लाश मकतल में, तड़प के रह गई बैत की लाश मकतल में, के बाद कत्ल भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन, के बाद कत्ल भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन, और जमीर हुर ने ये सुबह है दहुम कहा हुर से, जमीर हुर ने ये सुबह है दहुम कहा हुर से, तुम्हें सलाम के काबिल बना रहे हैं हुसैन, तुम्हें सलाम के काबिल बना रहे हैं हुसैन, और तुम एक हुर के मुकद्दर की बात करते हो, तुम एक हुर के मुकद्दर की बात करते हो, न जाने कितनों की किस्मत बना रहे हैं हुसैन, न जाने कितनों की किस्मत बना रहे हैं हुसैन, और अली की तेग से बचकर जो भाग निकले थे, अली की तेग से बचकर जो भाग निकले थे, सभी को घेर के करबल में ला रहे हुसैन, सभी को घेर के करबल में ला रहे हुसैन। और आखिरी शेर अकीदे का देख लें आजाद, कि मैं जब भी करता हूँ मातम तो ऐसा लगता है, मैं जब भी करता हूँ मातम तो ऐसा लगता है,
यजीदियत को तमाचे लगा रहे हुसैन, यजीदियत को तमाचे लगा रहे हुसैन। सलवात पढ़े मोहम्मद। दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाले। बना के तुर्बते असगर हुसैन रोते हैं, बना के तुर्बते असगर हुसैन रोते हैं, दिले रुबाब छुपा कर हुसैन रोते बना के तुर्बते असगर कमर शिकस्ता है कैसे उठाएंगे लाशा, कमर शिकस्ता है कैसे उठाएंगे लाशा, उठो उठो अली अकबर हुसैन रोते बना के तुर्बते असगर, तर आंसुओं से है दाढ़ी पिसर की मैयत पर, तर आंसुओं से है दाढ़ी पिसर की मैयत पर, खत अपनी बेटी का पढ़कर हुसैन रोते सदा जो पर्दे में अठारह भाइयों के रही, सदा जो पर्दे में अठारह भाइयों के रही, वही बहन है खुले सर हुसैन रोते हैं, बना के तुर्बते असगर तमाचे मार रहा है कोई सकीना को, तमाचे मार
रहा है, कोई सकीना को जभी दोनों के सेना पर हुसैन रोते हैं। तकल्लुमाज भी जिंदा ने शाम में जाकर, तकल्लुमाज भी जिंदा ने शाम में जाकर किसी लहद से लिपट कर हुसैन रोते हैं। बना के तुर्बत असगर हुसैन रोते لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ونبينا ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى واله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صلوات بر محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد حضرات اس ایت کے ذمن میں इस्लाम और मुसलमान के उन्वान से मुसलसल जो मजालिस आपकी खदमत में पेश की जा रही है, कल इस मौजू का सिलसिला यहां तक पहुंचा था कि इस्लाम को बाकमाल बेटी की जरूरत है, बाकमाल बीवी की जरूरत है और बाकमाल माँ की जरूरत है। और अचानक बाकमाल मां यूं ही पैदा नहीं हो जाएगी। जब तक घर में बाकमाल बीवी ना आए और शादी के बाद फौरन ही कोई बाकमाल बीवी नहीं बन सकती, जब तक के उसे उसके मां बाप ने जेवर तकवा पहनाकर बाकमाल ना बनाया। ज्यादा मैंने कहा था कि हर माँ बाप का ये फरीजा है जिसके दिल में अपनी बेटी से मोहब्बत ज्यादा है, वो चाहे अपनी बेटी को इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, प्रोफेसर बनाए, कुछ भी बनाए, इस्लाम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, मगर जेवर तकवा से सजा कर और लिबास तकवा पहनाकर उसे बाकमाल जरूर बना दो, ताकि वो बहैसियत बेटी भी बाकमाल कहलाए, बहैसियत बीबी भी बाकमाल बने और बहैसियत माँ भी बाकमाल नजर आए। बाकमाल बेटी, बाकमाल बीवी, बाकमाल माँ। इस्लाम की तमन्ना है कि हर घर की बेटी बाकमाल हो, हर घर में बीवी बाकमाल हो, हर घर में माँ बाकमाल हो। और मुकम्मल औरत जिसे हम औरत कहते हैं वो तीन जुजों पर मुश्तमिल है। जब वो दुनिया में आती है तो बेटी कहलाती है,
और जब बाप के घर से रुखसत होकर शौहर के घर आती है तो बीवी कहलाती है, और जब उसे मेराज हासिल होती है और माँ बनती है तो वो माँ कहलाती है। तो तीन जुजों पर मुश्तमिल है औरत बहैसियत बेटी, बहैसियत बीवी, बहैसियत माँ। अजीजाने मोहतरम, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जरा गौर करो, इस्लाम से पहले इस मुकम्मल औरत की हैसियत और कीमत क्या थी, और इस्लाम ने आने के बाद इस मुकम्मल औरत की हैसियत और कीमत को कितना बढ़ाया और कितना बुलंद किया। आप अगर गौर करेंगे तो आपको मालूम यह होगा कि इस्लाम से पहले मुकम्मल औरत, चाहे बहैसियत बेटी हो, चाहे बहैसियत बीवी हो, या बहैसियत माँ, मुकम्मल औरत जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों में गिरी हुई शह का नाम था। मुकम्मल औरत जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों में गिरी हुई शह का नाम था। इस्लाम ने आने के बाद जो सबसे ज्यादा पस्तियों में गिरी हुई शह थी, यानी औरत, उसे जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों से उठाकर बुलंद किया, और इतना बुलंद किया कि इज्जत और अजमत का आसमान बना दिया। पूरी कायनात के लिए औरत को इज्जत और अजमत का आसमान कैसे बनाया, और जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों में कहां गिरी हुई थी औरत। अब यही इस मजलिस के अंदर आप इस उनवान के लिहाज से सुने कि जब दुनिया में आती है तो बेटी कहलाती है, शौहर के घर जाती है तो बीवी कहलाती है, मेराज हासिल होती है तो माँ कहलाती है। बहैसियत बेटी काबिल इस्लाम औरत की हैसियत यह थी कि जब वो पैदा होती थी और बाप को मालूम यह होता, मालूम होता था कि जो बच्चा पैदा होने वाला था वो लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा हुई है, तो वो उसके वजूद को अपने लिए बाई से नंगुआर समझता था, बहुत गुस्से में घर में आता था और आने के बाद बेटी को उठा के ले जाता था। बेटा पैदा होता था तो घर में खुशी के शादियाने बजाए जाते थे, और बेटी पैदा होती थी तो पूरे गम का, पूरे घर पर गम के बादल छा जाते थे, और खास तौर पर माँ तो बहुत ही ज्यादा गमगीन हो जाती थी। वो बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को ले जाकर जंगल में गढ़ा खोद के बेटी को उसमें दफन कर दिया, जिंदा बेटी को दफन कर दिया करता था, और मिट्टी उसको मिट्टी के नीचे दबा के और वो वापस आ जाता था। यानी उस जमाने में एक बाप अपनी बेटी के लिए बाप नहीं था बल्कि कातिल था। तारीख में तीन तरीके लिखे हुए हैं कि बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को कत्ल किस तरह से करता था। पहला तरीका तो यही जो मैंने बयान किया कि जिंदा बेटी को गढ़ा खोद के जमीन में लिटा के ऊपर से मिट्टी डाल के दफन करके आ जाता था, वो मर जाती थी। और दूसरा तरीका तारीख में ये लिखा हुआ है कि चूल्हे की गरम गरम राख। अब आज के दौर के बच्चों को अगर ये बताया जाए कि चूल्हे की गरम गरम राख तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। 50 साल पहले तक सबके घरों में चूल्हे हुआ करते थे, उसमें लकड़ियां जलाई जाती थी, और जब लकड़ियां जलाई जाती थी तो चूल्हे के अंदर राख भी होती थी और राख बहुत गर्म होती थी। अब बेचारे आज के दौर के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन्हें चूल्हे का मफहूम भी नहीं मालूम, न वो चूल्हे का काम जानते हैं कि चूल्हे से क्या काम किया जाता था। लिहाजा उन्हें समझाना पड़ेगा कि चूल्हे के अंदर जब लकड़ियां जलती थी तो उसके अंदर राख पैदा होती थी और वो गरम गरम राख हुआ करती थी। तो बाप लड़की को अपनी गोद में ले जाके बैठ जाता था और चूल्हे से गरम राख निकालकर उसके मुंह में ठूस दिया करता था, उसके हलक में पूरा मुंह जल जाता था, पूरे मुंह में छाले पड़ जाते थे और उसका दम घुट जाता था और बच्ची मर जाती थी, उसे जाके दफन कर दिया करता था। ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका तारीख में ये लिखा हुआ है कि उसके सर के ऊपर हथौड़े से किसी वजनी चीज से चोट मारी जाती थी और लड़की मर जाती थी, सर टूट जाता था, मर जाता था। ये तीन तरीके लिखे हुए। ये क्यों मारे जाते थे, क्यों मारते थे बेटी को? इसलिए कि उस बेटी के, बेटी का वजूद बाप के लिए बाइसे नंगुआर था, इसलिए उसे कत्ल कर दिया जाता। आज जब ये वाकया दुनिया को मालूम होते हैं तो आज की दुनिया का इंसान बेख्तियार ये कहता है, गैर महज़ब दौर था, जाहिलियत का दौर था, गैर तालीम याफ्ता दौर था, भला बेटी को कोई इस तरह भी कत्ल करता है? अब मेरी समझ ही में नहीं आता है कि मैं उस गैर महज़ब दौर को, जिसमें लड़कियों को पैदा होने के बाद कत्ल कर दिया जाता था, उस दौर को ज्यादा बुरा कहूं या आज के इस दौर को ज्यादा बुरा कहूं जिस दौर में लड़कियों को शिका में मादारी ही में अल्ट्रासाउंड के जरिए मालूम हो जाता है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का नहीं बल्कि लड़की है, तो शिका में मादारी ही में कत्ल कर दिया जाता है। तो कल के दौर को बुरा कहूं, कम से कम उस दौर में लड़की पैदा हो जाती थी तब कत्ल की जाती थी, आज तो लड़की पैदा होने से पहले
ही शिकम मादर में कत्ल कर दी जाती है। और कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा फर्क है उस दौर में और इस दौर में, जब लड़कियों तारीख में भरा हुआ है कि एक बाप अपने हाथों से कत्ल किया करता था बेटी को, तब भी लड़के पैदा होने वाले लड़के और लड़कियों के दरमियान फर्क ये था कि लड़कों की तादाद कम थी, लड़कियों की तादाद ज्यादा। गैर महज़ब दौर की बात कर रहा हूं, गैर तालीम याफ्ता दौर की बात कर रहा हूं, जिसके जो इतना बदनाम हुआ कि लड़की पैदा होने वक्त बाप कत्ल कर दिया करता था। और आज के लोग कहते हैं गैर महज़ब दौर था, तालीम याफ्ता लोग नहीं थे इसलिए कत्ल किया करते थे। आज तो तालीम याफ्ता लोग हैं, आज तो तालीम याफ्ता लोग हैं, आज महज़ब लोग हैं। तो फिर बात को उस दौर में लड़कियां पैदा होने वाली लड़कियों की तादाद ज्यादा थी, आज कम क्यों हो गई? कल 1000 लड़के पैदा होते थे तो उसके मुकाबले पे तारीख उठाकर देखें, अब से 300 साल 250 साल पहले तक भी 1000 लड़के पैदा होते थे उसके मुकाबले में 1200-1300 लड़कियां पैदा हुई। और आज तालीम याफ्ता दौर में और महज़ब दौर में आप तमाम दुनिया के हर मुल्क का फिगर उठाकर देखें और हर शहर का फिगर उठाकर देखें तो आपको मालूम ही होगा 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो उसके मुकाबले में 700-800 लड़कियां पैदा हो रही हैं। यानी उल्टा हो गया मामला। तो जिस जमाने में लिखा है हुआ है कि बाप अपने हाथों से कत्ल कर दिया करता था, मग कत्ल होने के बाद भी कम अज कम इतना फर्क तो था कि 1000 के मुकाबले में 1100-1200 लड़कियां पैदा होती थी, आज महज़ब दौर में 1000 के मुकाबले में 700-750 और 800 लड़कियां पैदा हो रही हैं। उस दौर में इमाम जब इस्लाम आ गया तो लड़कियों का फिगर कुछ और ज्यादा हुआ। उस दौर में औरतों का एक वक्त मेरे मौला के पास आया था, ये जिम्मे एक मसला ध्यान में आया, एक वक्त आया औरतों का। उन्होंने आने के बाद मौला से सवाल पूछा कि मौला ये तो बताइए कि मर्दों को एक वक्त में 4 शादियों की इजाजत है इस्लाम की तरफ से। मौला ने कहा बिल्कुल सही है, एक वक्त में एक मर्द 4 शादियां कर सकता है अगर जरूरत हो। तो उन औरतों ने कहा मौला जब मर्दों को एक वक्त में 4 शादियों की इजाजत है तो औरतों को एक से ज्यादा मर्दों से शादी करने की इजाजत क्यों नहीं है? तो मौला ने दो जवाब दिए। हमारा लाखों सलाम हो अपने मौला पर, अगर एक जवाब देकर मौला खामोश हो जाते जो मुकम्मल जवाब था तो आज के दौर में औरतें फिर सवाल लेके आ जाती। मौला ने कहा कि पैदा होने वाले बच्चों में मर्दों की तादाद कम है, औरतों की तादाद ज्यादा है। 1000 पैदा होने वाले बच्चे, अगर 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो 1200-1300 लड़कियां पैदा हो रही हैं। तो अगर मर्दों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं होगी और पाबंदी लगा दी जाए कि एक से ज्यादा तुम शादी नहीं कर सकते, उसका नतीजा ये होगा कि 200-250-300 लड़कियां गैर शादीशुदा रह जाएंगी। तो औरतों पर जुल्म ना हो, 250-300 लड़कियां औरतें गैर शादीशुदा ना रह जाए, सबकी शादी हो जाए, इसलिए मर्दों को ज्यादा दी है कि तुम एक से ज्यादा शादी करो। अगर औरतों के दरमियान में इंसाफ और अदल कर सकते हो और तुम्हें जरूरत भी है, औरतें मुतमईन हो गईं, मुकम्मल जवाब था उस दौर के लिहाज से, बिल्कुल मुकम्मल जवाब था। वो उठने ही वाली थी मगर मौला ने उन्हें रोक लिया, कभी जवाब मुकम्मल नहीं हुआ है। उसके बाद मौला ने दूसरा जवाब दिया, अगर ये मौला दूसरी बात ना बताए होते तो आज औरतें फिर आ जाती और वो ये कहती कि आज के दौर में लड़के कम, लड़कों की तादाद ज्यादा है और औरतों की तादाद कम है। कल मौला ने कहा था लड़कियां ज्यादा पैदा हो रही है लिहाजा मर्दों को इजाजत दी गई है, और आज के दौर में जब लड़कों की तादाद ज्यादा है और लड़कियों की तादाद कम है तो अब औरतों को इजाजत दी जाए कि एक से ज्यादा मर्दों से शादी कर सके। सवाल था ये नहीं था, होता ही सवाल, लेकिन मौला ने दूसरा जवाब देकर कयामत तक औरतों की जबान को बंद कर दिया ताकि वो फिर ये सवाल लेकर ना आए। मौला ने पहला जवाब ये दिया कि मर्दों की तादाद कम है, औरतों की तादाद ज्यादा है, ज्यादा मर्दों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत दी गई है ताकि कोई औरत शादीशुदा ना रह जाए। और जब दूसरा जवाब ये दिया मौला ने कि औरतों को दूसरे शौहर से, दो मर्दों से शादी करने की इजाजत इसलिए नहीं दी गई है, एक से ज्यादा मर्दों से शादी नहीं कर सकती औरत, ताकि उसके शिकम मुबारक से पैदा होने वाले बच्चे के हसब व नसब का सही तौर पर पता चल सके कि इसका असली बाप कौन है। अगर 2-4 मर्दों से शादी कर लेगी औरत तो पैदा होने वाले बच्चे के मुताल्लिक क्या पता चलेगा कि इसका असली बाप कौन है।
हमारा लाखों सलाम हो अपने मौला पर कि उन्होंने कयामत तक औरतों को जवाब दे दिया। अब कोई औरत ये सवाल लेकर किसी भी मौलवी के पास, किसी आलिम के पास, मर्जा के पास या आने वाले वक्त में इमाम के पास नहीं आएगी कि हमें भी इजाजत दे दो। हसब व नसब को सही पता चल सके इसलिए औरत को दो शादी, दो एक से ज्यादा मर्दों से शादी करने की इजाजत नहीं दी। बहरहाल ये जिम्मे में एक सवाल आ गया था, एक मसला जहन में आ गया था जो मैंने बयान कर दिया ताकि आप लोगों तक, आपके जहनों तक ये मौला का, जब मौला की ये बात और कीमती बात आपके जहनों तक पहुंच सके। बहरहाल मैं तो ये कह रहा हूं बहैसियत औरत, बहैसियत बेटी औरत जिल्लत पस्ती, जिल्लत रुसवाई की पस्तियों में गिरी हुई थी। एक बाप खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को कत्ल कर दिया करता था, यही तो था। इसके बाद बहैसियत बेटी, बहैसियत बेटी तो यह हैसियत थी और बहैसियत बीवी, बहैसियत बीवी औरत की हैसियत यह थी कि जब वो शौहर के घर आती थी शादी होकर तो उसकी उसको खादिमा और नौकरानी से ज्यादा दर्जा नहीं दिया जाता। तुम्हारा काम है शौहर की खिदमत करना, ज्यादा तुम शौहर की खिदमत करो। और जब शौहर का इंतकाल हो जाता था तो जो तरका तकसीम होता था, माल तकसीम होता था, तो औरत को भी माल की तरह से तकसीम किया जाता था। जब वरासा के दरमियान में माल तकसीम होता था तो औरतें जो होती थी, उसकी बीवियां होती थी, उन्हें भी तकसीम कर दिया जाता था। ये तकसीम करना बता रहा है कि उस दौर में बीवी को इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता था बल्कि माल और शय और चीज का दर्जा दिया जाता था। दूसरी बात यह है कि औरत को खादिमा का दर्जा और नौकरानी से ज्यादा बड़ा दर्जा नहीं दिया गया। औरत का काम है शौहर की खदमत करना। आप देखें यूनान में और अरब मालिक में भी बहुत सी जगह पर आसार कदीमा वालों ने जो तहखाने तलाश किए हैं, मकबरे जेर जमीन तलाश किए हैं, तारीख में लिखा हुआ है कि जब शौहर का इंतकाल हो जाता था तो हस्ब हैसियत मरने से पहले वो अपना मकबरा तलाश करता, तैयार करता था। जैसा माल होता था, जैसी दौलत होती थी, जैसी हैसियत होती थी, अपनी हैसियत के लिहाज से बड़े और छोटे मकबरे तैयार किए जाते थे ताकि मरने के बाद आराम से उसमें रहा जा सके। और उस मकबरे में उसकी जरूरत की तमाम चीजों को रखा जाता था, खाने की, पीने की, पहनने की, रहने की, जितनी सहूलत आरामदेह जिंदगी चाहिए वो सब कुछ उस तहखाने में पहुंचा दिया जाता था। और जब उस शौहर का, मर्द का इंतकाल हो जाता था तो उसकी जितनी बीवियां होती थी, जब उसकी मैयत तहखाने में पहुंचा दी जाती थी तो उसकी जितनी बीवियां होती थी उन बीवियों को दुल्हन बनाकर उस तहखाने में भेजा जाता था और उनसे कहा यह जाता था कि औरत का काम है मर्द की खिदमत करना, बीवी का काम है शौहर की खिदमत करना, नौकरानी से ज्यादा तुम्हारा दर्जा कुछ नहीं है। जब तक वो जिंदा रहा जमीन पर तो तुमने उसकी खिदमत की, अब मरने के बाद कोई और थोड़ी आगे खिदमत करने के लिए, लिहाजा जाओ तहखाने में, मरने के बाद भी खिदमत करना तुम्हारी ड्यूटी है। लिहाजा उन औरतों को भी उसी तहखाने में, मकबरों में भेज दिया जाता था और उसके बाद दरवाजे को, उस तहखाने और मकबरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाता था, बिल्कुल बंद कर दिया जाता था। तो जब तक मकबरे में ऑक्सीजन बाकी रहती थी उस वक्त तक वो औरतें जिंदा रहती थी और जैसे जैसे ऑक्सीजन खत्म होती रहती थी वैसे वैसे उनका दम घुटने लगता था और वो भी मर जाती थी। ये तो बात मैंने की हिंदुस्तान के बाहर की, बहैसियत औरत, बहैसियत बीवी। अब आइए मैं खुद हिंदुस्तान की बात बताऊं। आपसे 50-60 साल पहले तक, 100 साल पहले तक, अब हुकूमत ने बड़ी सख्ती के साथ इस रस्म को खत्म कर दिया है, मगर सती की रस्म, आपने शायद लफ्ज सुना होगा, ना सुना हो तो जरा इंटरनेट पर तलाश कीजिएगा, किताबों में तलाश कीजिएगा। सती की जाती थी औरत, सती का मतलब क्या है, वही तसव्वुर जो उधर था अंग्रेजों में और गैर अंग्रेजों में सभी जगह पे कि जब तक शौहर जिंदा है उसकी खिदमत करो, मर जाए तो तहखाने में जाके, मकबरे में जाके उसकी खिदमत करो। हिंदुस्तान में जब शौहर मर जाता था और उसकी मैयत को चिता के ऊपर लिटाया जाता था, लकड़ियां जमा की जाती थी, उसमें मैयत को लिटाया जाता था जलाने के लिए, तो उसकी जो बीवी होती थी उस बीवी को दुल्हन बनाकर सजाकर उस चिता के ऊपर बिठाया जाता था और उस मैयत के साथ साथ उसकी बीवी को जला दिया जाता था। तसव्वुर वही था
कि तुम्हारा काम है खिदमत करना, जब तक वो जिंदा रहा तुमने खिदमत की, अब वो मर के जा रहा है तो उधर कोई दूसरा कोई खिदमत करने थोड़ी आएगा, लिहाजा तुम साथ साथ जाओ, वहां जाके उसकी खिदमत करना। उसे भी जला दिया जाता था। ये बहैसियत बीवी, उसका मर्तबा था, उसकी हैसियत थी, तो बहैसियत बेटी भी उसकी कोई कीमत नहीं थी, बहैसियत बीवी भी उसकी कोई कीमत नहीं थी। और उस जमाने की तारीख उठाकर देखो, बहैसियत मां भी कोई उसकी अजमत नहीं थी, कोई उसकी इज्जत नहीं थी, बहैसियत मां भी। तो मुकम्मल औरत, मुकम्मल औरत, चाहे बहैसियत बेटी हो, चाहे बहैसियत बीवी हो, या बहैसियत मां हो, मुकम्मल औरत जिल्लत और रुसवाई में गिरी हुई छह का नाम था। इस्लाम ने आने के बाद, इस्लाम ने आने के बाद जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों में गिरी हुई औरत को जिल्लत और रुसवाई से उठाया, उठाया, उठा के बुलंद किया, और इतना बुलंद किया कि इज्जत और अजमत का आसमान बना दिया। जिल्लत और रुसवाई में गिरी हुई किस तरह से औरत गिरी हुई थी वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब आसमान किस तरह से बनाया इज्जत और अजमत का, वो हिस्सा मैं बयान करने जा रहा हूं कि बहैसियत बेटी औरत को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि इज्जत और अजमत का आसमान बन गई बेटी। जब किसी के घर में बेटी पैदा हुई और वो गोद में लेकर घर से बाहर निकला तो रहमतुल लिल आलमीन सामने आए। तवज्जो चाहता हूं, रहमतुल लिल आलमीन सामने आए। और उन्होंने आने के बाद कहा, भाई क्या बात, क्या बात है? कहा, हुजूर मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। तो नबी ने, रहमतुल लिल आलमीन ने कहा कि नहीं, ये बेटी तेरे घर में पैदा नहीं हुई है, बल्कि अल्लाह ने तेरे घर में अपनी रहमत को भेजा है। ये बेटी नहीं है, अल्लाह की रहमत है जो तेरे घर में आई। तो बेटी को रहमत खुदा का दर्जा देकर इज्जत और अजमत का आसमान बना दिया। यही नहीं, बल्कि इसके बाद नबी ने बेटी के दर्जे को और बुलंद किया, कि अगर किसी के घर में एक बेटी पैदा हो, एक बेटी पैदा हो, और वो उसको सही तालीम और तरबियत का इंतजाम कर दे। बहुत तवज्जो चाहता हूं, तमाम कौम से तवज्जो चाहता हूं, जहां जहां तक मेरी बात जा रही है, कि नबी ने कहा कि अगर सिर्फ एक बेटी हो और सही तालीम और तरबियत का इंतजाम करे, उसकी नियत हो कि मैं इसको जेवर तकवा से सजाऊंगा और लिबास तकवा पहनाऊंगा, इसे नमाजी और रोजेदार बनाऊंगा, तो नबी ने फरमाया अगर तुमने सही तालीम और तरबियत का अपनी बेटी का इंतजाम कर दिया है तो अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है सुबह की नमाज से पहले, सुबह होने से पहले पहले इसके नामे अमाल में 12 नेकियां लिख दो। सुना आपने, बेटी का मर्तबा समझा आपने? क्या अल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, अभी आप उठे नहीं हैं, अभी आपने वजू नहीं किया है, अभी आप सुबह की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर नहीं आए हैं, अभी बिस्तर के ऊपर है, मगर अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है इसके नामे अमाल में 12 नेकियां लिख दो। तो बगैर कुछ किए हुए, नेकी किए हुए 12 नेकियां, हर रोज 12 नेकियां आपके नामे अमाल में लिखी जाती है। और नबी ने कहा कि अगर तीन बेटियां हों और तीनों बेटियों के लिए सही तौर पर, सही तौर पर उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम कर दिया जाए तो नबी ने कहा उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है, वो जन्नत में जाएगा। और बुलंद किया नबी ने बेटी के दर्जे को और तमाम कौम से खुतबे में इरशाद फरमाया, तमाम कौम से कहा कि देखो जब तुम सफर में जाया करो और जब सफर से वापिस आओ तो घर वालों के लिए तोहफा जरूर लेके आया करो, और अगर तुम्हारे घर में बेटा भी हो बेटी भी हो तो खबरदार जो तोहफा और चीज लेकर आए हो पहले बेटे को ना देना, बेटी को देना। देखिए बेटी का दर्जा किस तरह से बुलंद किया जा रहा है, कहा पहले बेटे को नहीं बेटी को देना। तो नबी ने बेटी के दर्जे को बुलंद किया या नहीं किया? उसके बाद हमारे समाज ने, आज उर्दू जबान ममालिक में अरबी और फारसी में बोला जाता है मगर हमारी उर्दू जबान में एक जुमला बोला जाता है, ये नबी के सारों में बोला जाता है, कहा यह जाता है कि बाप के जनाजे की रौनक बेटी होती है, कहा जाता है, नहीं कहा जाता, आप सभी लोगों ने सुना होगा, एक दफे नहीं सुना होगा, न जाने कितने मकामात पर सुना होगा, अपने वतन में भी सुना होगा और परदेश में जाने के बाद भी सुना होगा कि बाप के जनाजे की जीनत और बाप के जनाजे की रौनक बेटी होती है, बेटा नहीं होता। तो बेटी के मर्तबे को कितना बुलंद किया नबी अकरम ने, जमीन की पस्तियों में गिरी हुई शह को कल बाप अपने हाथों से बेटी को कत्ल कर दिया जाता, कत्ल कर देता था, मगर नबी ने कहा ये बेटी नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है, इज्जत और अजमत का आसमान बनाया जा रहा है औरत को। और यही बेटी
अब तक जो बहसियत बेटी थी, जब अपने बाप के घर से रुखसत होकर अपने शौहर के घर उसने कदम रखा, तो अभी दरवाजे पर कदम ही रखा था कि कुरान ने पुकार के कहा, वह अन के उलमिनकुमसालेबादे, अगर तुम गरीब हो, फकीर हो, नादार हो, तो जो भी गरीब है, फकीर है, नादार है, कारोबार जाता रहा, जमींदारा खत्म हो गया, तो वो क्या करता है? रिस्क में बरकत चाहता ही नहीं चाहता, मालदार बनना चाहता ही नहीं चाहता, हर एक चाहता है मालदार बने। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मालदार बनने का आसान तरीका जो आपने अपना रखा है वो निहायत गलत है, निहायत गलत है। अगर तकलीफ का दौर आ जाए, बर्बादी का दौर आ जाए, कारोबार खत्म हो जाए, तिजारत खत्म हो जाए, पैसे पैसे को मोहताज हो जाओ, तो कभी भी रिस्क का तावीज लेने के लिए मुल्ला के पास मत जाना। ये अल्लाह रसूल इमाम का हुक्म है, कभी मत जाना। आजकल हो ये रहा है कि जब कभी परेशानी का दौर आता है और गरीबी का दौर आ जाता है, तो अक्सर हमारी कौम के भी मुल्ला के पास जाते हैं तावीज लेने के लिए, हुजूर रिस्क की बरकत का तावीज दे दीजिए। और वो रिस्क की बरकत का तावीज दे भी देते हैं और वो बड़ी खुशी खुशी पैसे दे के ले भी आते हैं। मगर मैं अपनी कौम से, अपने नौजवानों से, अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, ये वो कौम है, ये वो कौम है जिस कौम को उनकी मां ने अपनी गोद में जो लोरियां दी थी, लोरियां देते हुए जब ठोकर लगी थी तो बेइख्तियार मां ने कहा था या अली मदद, कहा था या नहीं कहा था? तुम्हारी मां ने तुम्हें सिखाया है कि जब कभी ठोकर लगे, गिरने का वक्त आ जाए, तो या अली कहो, मौला की मदद तुम्हें मिल जाएगी और गिरने से बच जाओगे। कहा था या नहीं कहा था? कसम खा के मुझे बताओ, ये तुम्हें ठोकर लगती है, कहीं पे गिरने की बात आ जाती है, तो तुम्हारी जवान से बेख्तियार या अली निकलता है या नहीं निकलता है? ये या अली जो बेख्तियार निकलता है, ये सबक तुम्हारी माँ का सिखाया हुआ, तुम्हारी माँ ने सिखाया है। अगर गिरने लगो तो या अली कहो, गिरने से बच जाओगे। ये अजीबो गरीब कौम है, मुझे शर्म भी आती है, मुझे गैरत भी आती है उन लोगों के ऊपर कि जब कारोबार खराब होता है और मुल्ला के पास वो तावीज लेने के लिए जाते हैं, तो मुझे शर्म आती है और मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि अगर ठोकर लग जाए तो तुम या अली कहते हो और तुम्हें ये यकीन है कि मौला गिरने से बचा लेंगे, और अगर कारोबार गिरने लगे तो तुम्हारा यकीन डगमगाने लगता है। अब या अली नहीं कहते, अब या मुल्ला कहते हो और मुल्ला से तावीज लाते हो कि गिरते हुए कारोबार को उसका तावीज संभाल लेगा। अब मौला के ऊपर एतबार आपका कमजोर हो जाता है। है शर्म की बात या नहीं है? है गैरत की बात या नहीं है? या अली सबसे बड़ा तावीज है, या अली सबसे बड़ा तावीज है। ठोकर लगे तो कहो या अली, मुसीबत आए तो कहो या अली, कारोबार गिर जाए तो पुकारो या अली, या अली सबसे बड़ा तावीज है, इससे बड़ा कोई तावीज नहीं है। तो तुम्हारे पास जब अली जैसा मुश्किल कुशा मौजूद है, तो फिर गैरों से मदद मांगने की जरूरत क्या है? तो कारोबार अगर गिर गया, तुम गरीब हो गए, कुरान भी यह नुस्खा दे रहा है, ये माँ का सिखाया हुआ सबक है, और हमारी ये सीरत और हमारा ये तरीका रहा है। जब भी मुसीबत आती है, कोई मुश्किल पेश आती है, तो हम मुश्किल कुशाओं को पुकारते हैं। और कुरान भी कुरान कह रहा है, वन के हुलामिनकुम व सालेहीन मिन इबादिकुम व इमाएकुम इन यकूनु फुकरा, अगर तुम गरीब हो गए हो, फकीर हो गए हो, वन के हुलाम, तो तुम शादी करो, निकाह कर लो, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें मालदार बना देगा। लीजिए, अभी औरत शादी करके लाया, उसने दरवाजे पर कदम रखा, ये वो आयत है जो हर आलिम निकाह पढ़ने के लिए बैठता है और खुतबा पढ़ता है सीगे निकाह पढ़ने से पहले, तो उस खुतबे में इस आयत को जरूर पढ़ता है। और इस आयत के पढ़ने का मतलब भी यह है कि जिसका निकाह पढ़ा जा रहा है, वो खूब अच्छी तरीके से समझ ले कि आज जो तेरी निकाह में आ रही है, ये तेरी बीवी नहीं है, बल्कि तेरी रिज़्क़ की बरकत का जरिया भी है। तो जैसे ही उसने कदम रखा औरत ने उसके घर पर, तो उसने अल्लाह ने आवाज दी, कुरान ने पुकार के कहा, यह औरत नहीं आई है, यह बीवी नहीं है, बल्कि तुम्हारी रिस्क की बरकत का जरिया। वह अन के उलाया मिनकुम व सालेहीन मिन इबादिकुम व इमाएकुम,
शादी कर लो अगर गरीब हो गए हो तो अल्लाह अपने फजल से इस औरत की वजह से तुम्हें मालदार बना देगा। तो ये औरत नहीं है, ये बीवी नहीं है, बल्कि तुम्हारे रिस्क की बरकत का तावीज है। मुल्ला से तावीज लाने की जरूरत नहीं है। ये अजीबो गरीब बात है, जरा मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, ये अजीबो गरीब बात है कि मुल्ला अगर नकली तावीज लाते हो कागज पर लिखा हुआ तो उसका तो बड़ा एहतराम करते हो, बोसा भी देते हो, पोसानी पे भी लगाते हो और उसके बाद गले के अंदर लटका भी लेते हो, और जो अल्लाह ने जीता जाता तावीज दिया है, रिस्क की बरकत का तावीज दिया है, उसे मारते भी हो, झगड़ते भी हो, बुरा भला भी कहते हो और घर से निकाल भी देते हो, होता या नहीं होता? ये रिस्क की बरकत का ताबीज। अब आपने समझा, औरत के मर्तबा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, जो इस्लाम ने आने के बाद औरत को मर्तबा इनायत किया है। मेरा मौजू भी है इस्लाम और मुसलमान। इस्लाम ने आने के बाद औरत को बुलंद किया, बुलंद किया, और कितना बुलंद किया। जब इस्लाम से पहले औरत का वजूद हुआ तो बेटी को बाप ने कत्ल कर दिया, बीवी को इस समाज ने नौकरानी से ज्यादा दर्जा नहीं दिया और मां की कोई कीमत और कदर नहीं की। लेकिन जब इस्लाम आया तो गिरी हुई पस्तियों में गिरी हुई औरत को उठाकर इज्जत और अजमत का आसमान बनाते हुए उसने बेटी को कहा, यह बेटी नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमत है। और जब औरत बहसियत बीवी सामने आई तो कहा, यह बीवी नहीं है बल्कि तुम्हारे रिस्क की बरकत है। और जब मां बन की औरत सामने आई तो कहा, इसके कदमों में तुम्हारी जन्नत है। बेटी को अल्लाह की रहमत कहा, बीवी को तुम्हारे रिस्क की बरकत कहा, और मां के कदमों में तुम्हारी जन्नत रख दी। अब सोचो इससे बुलंद मुकाम औरत का क्या होता। इस्लाम ने आने के बाद इज्जत और अजमत का आसमान इस तरह से बना दिया, अब दुनिया का कोई मर्द ऐसा नहीं है जो औरत को किसी भी मंजिल पर कमतर समझे। अगर बेटी को कमतर समझोगे तो रहमत खुदा से मायूस हो जाओगे, अगर बीवी पर जुल्म उठाओगे तो रिस्क की बरकत हाथ से चली जाएगी, और मां की इज्जत और अजमत को सलाम नहीं किया तो उसके कदमों से तुम्हारी जन्नत निकल जाएगी। तो अगर रहमत खुदा भी तुम्हें हासिल रहे, रिस्क की बरकत भी तुम्हें मिली है और जन्नत भी तुम्हें हासिल हो जाए, तो मुकम्मल औरत से इज्जत के साथ पेश आओ, मोहब्बत के साथ पेश आओ, उसके साथ नरमी के साथ पेश आओ। अगर तुमने मुकम्मल औरत को मोहब्बत और इज्जत और अजमत पेश कर दी तो तुम्हारे रिस्क में भी बरकत हो जाएगी, तुम्हारे घर में रहमत खुदा भी आ जाएगी और इसी दुनिया में तुम्हें जन्नत भी मिल जाएगी। एक मरतबा सलावात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बहसियत बेटी, बहसियत बीवी, बहसियत माँ, माँ के दर्जे को बुलंद किया, माँ के दर्जे को इतना बुलंद किया कि उसके कदमों में जन्नत करार दिया। और जनाब सैयदा ने कुल 18 साल की उम्र में दुनिया से गई, मगर पूरे आलम इस्लाम को कयामत तक पैदा होने वाली कनीजा ने जनाब सैयदा की खिदमत में अपनी सीरत पेश की। बहसियत बेटी, बाप के घर किस तरह से जिंदगी गुजारी जाए। हर बेटी के लिए मेरा मशवरा है, जब तक बाप के घर में हो, सीरत फातिमा पढ़ो कि बाप के घर में किस तरह से रहे। जब बाप के घर से रुखसत होकर शौहर के घर जाने का वक्त हो तो सीरत फातिमा पढ़ो कि शौहर के घर में जनाब सैयदा ने किस तरह से जिंदगी गुजारी। जब मां बनने का वक्त आए तो सीरत फातिमा पढ़ो कि बच्चों को किस तरह से तरबियत दी। बहसियत बेटी, जब तक बाप के घर रही, तारीख ने बताया और हदीसों ने बताया, इस तरह से बाप की खिदमत की और बाप के साथ मोहब्बत के साथ पेश आई कि रसूल खुदा को बेइख्तियार कहना पड़ा, उम्मो अबीहा, मेरी बेटी मेरे लिए बेटी नहीं बल्कि माँ का मकाम रखती है। तमाम दुनिया के मर्दों के लिए, हर बाप के लिए उसकी बेटी बेटी का दर्जा रखती है, लेकिन रसूल खुदा की बेटी रसूल खुदा के लिए बेटी नहीं बल्कि माँ का मकाम रखती है। इसीलिए तो जब जनाब सैयदा आती थी तो वो ताजीम के लिए नबी खड़े हो जाते। ये बहसियत बेटी, बाप के घर जिंदगी और सीरत फातिमा कि बाप के घर बाप की इस तरह से खिदमत करो, माँ बाप की इस तरह से इताअत करो कि वो खुश हो जाए। माँ बाप तुमसे राजी रहे तो बहसियत बीवी शौहर के घर तुम्हें माँ बाप की दुआ मिलती रहेगी और इज्जत और आबरू के साथ जिंदगी गुजरेगी। और जब बाप के घर से रुखसत होकर जनाबे सैयदा शौहर के घर आई तो
वहां किस तरह से जिंदगी गुजारी ये बात में बयान करूंगा। बहसियत माँ बयान कर दूं कि जनाब सैयदा ने बहसियत माँ अपने बच्चों को इस तरह से तरबियत दी और कयामत तक आने वाली उन तमाम औरतों को जो मां बनने वाली हैं उन्हें दर्श दिया है और नमूने अमल पेश किया है कि बच्चों को किस तरह से तरबियत दी जाती है। चुनाचे आपको वाकया हजारों मरतबा का सुना हुआ है कि जब इमाम हसन बातें आते थे बाहर से तो जनाब सैयदा मालूम करती थी बेटा कहाँ गए थे और वो जवाब देते थे कि अम्मा मस्जिद गया था, तो वो पूछती थी मस्जिद में क्या हुआ कि नाना खुतबा दे रहे थे या बाबा खुतबा दे रहे थे, तो जनाब सैयदा पूछती थी बेटा मुझे ये बता दो कि बाबा ने खुतबे में क्या कहा और नाना ने खुतबे में क्या कहा, और इमाम हसन पूरा खुतबा सुनाते थे। ये रोजाना का जनाब सैयदा का दस्तूर। मैंने हाथ जोड़ के पूछा ऐ शहजादी रोजाना इमाम हसन इमाम हुसैन से सवाल क्यों? दो सवाल, कहां गए थे, क्या सीख कर आए? मैंने जनाब सैयदा से मालूम किया कि आप बच्चों से सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्या इसलिए पूछ रही हूं कि अगर गलत जगह गए हैं तो उनकी इसलाह कर दी जाए, गलत बात सीख के आए हैं तो उनकी इसलाह कर दी जाए। मैंने हाथों को जोड़ा ऐ शहजादी आपके बच्चे तो मासूम हैं, उनसे गलती का इम्कान नहीं पाया जाता, न वो गलत जगह जा सकते हैं न वो गलत बात सीख सकते हैं। क्या बिल्कुल सही कहा, मेरे बच्चे मासूम हैं, उनसे गलती का इम्कान नहीं पाया जाता है, मगर मैं दो सवाल कर रही हूँ, रोजाना कर रही हूँ ताकि तारीख में मेरे दोनों सवाल महफूज हो जाए और कयामत तक जितनी मेरी करीजें हैं माँ बनने वाली हैं उन्हें ये उसूल तरबियत मालूम हो जाए कि जब तुम्हारा बच्चा घर से बाहर जाए तो उससे दो सवाल जरूर कर लो, बेटा गए कहां थे और क्या सीख कर आए? अगर गलत जगह गया था तो उसकी तंबीह कर दो, बेटा ऐसी जगह नहीं जाती। अगर गलत बात सीख कर आया है तो उसकी इसलाह कर दो। अगर अच्छी जगह जाकर आया है, उसने पूछा कहां गए थे, कहा मोहल्ले में जो मौलाना थे मैं उनके पास बैठा था, तो उसको उसकी शौक के लिए उसको शौक दिलाओ कि बेटा हाँ मौलाना के पास जरूर जाया करो, दो एक बातें अच्छी मालूम होंगी। अगर अच्छी बात सीख कर आया है तो उसको इनाम भी दो ताकि वो इनाम के शौक में फिर अच्छी बात सीख कर आए। ये उसूल तरबियत जनाब सैयदा ने कयामत तक आने वाली अपनी कनीजों को दिया है। बच्चा जब तुम्हारी निगाहों से गायब हो तो दो सवाल जरूर करो, बेटा कहां गए थे और कहां क्या सीख कर आए। ये बहैसियत मां जनाब सैयदा की सीरत है हर मां के लिए, और बहैसियत बीवी जनाब सैयदा ने अपने शौहर के घर किस तरह से जिंदगी गुजारी। पहली बात तो ये कि जनाब सैयदा ने जब जनाब मौलाए कायनात के घर तशरीफ लाई और रसूल खुदा तशरीफ लाए तो उनसे पूछा कि बताओ हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा काम क्या है, तो रसूल खुदा ने कामों को तकसीम किया कि बाहर के जितने काम हैं वो अली अंजाम देंगे और घर के अंदर जितने काम हैं, अगर ते फातिमा औरत की ड्यूटी नहीं है मगर शौहर की मदद करना भी औरत का फरीजा, लिहाजा घर के काम तुम अपने जिम्मे ले लो। चुनाचे जनाब सैयदा ने घर के सारे काम अपने जिम्मे ले लिए, घर के काम जनाब सैयदा करती थी और बाहर के काम मौलाए कायनात अंजाम दिया करते थे। लेकिन उसी के साथ साथ रसूल खुदा ने मौलाए कायनात को एक मर्तबा घर के कामों में मदद करते हुए देखा तो रसूल खुदा ने मौलाए कायनात से फरमाया जो शौहर अपने घर में अपनी बीवी की घर के कामों में मदद करते हैं उन्हें इतने हजों का सवाब मिलता है, इतनी नमाजों का सवाब मिलता है और इतनी जन्नत उसको पर वाजिब हो जाती है। बहुत सी बातें बयान की हैं नबी ने, जो घर में अगर शौहर अपनी बीवी की मदद करता है तो उसे बहुत सवाब मिलता है, उसे बहुत कामयाबी मिलती है, कई अदद हजों का और कई अदद उम्रे का सवाब मिल जाता है। हदीस पूरी मुझे याद इस बार मेरे पेश नजर नहीं है कि कितने हजों का सवाब है और कितने उम्रे का सवाब है और कितनी नमाजों का सवाब है, मगर रसूल खुदा ने बेइंतहा सवाब बताया। इस तरह से जनाब सैयदा शौहर के साथ जिंदगी गुजारती रही। मगर जो बात आज के दौर के लिहाज से मैं कहना चाहता हूं, जब जनाब सैयदा का आखिरी वक्त आया तो मौलाए कायनात ने एक सवाल पूछकर कयामत तक कनीजाने जनाब फातिमा को एक दर्स जरूर दिया है, नमूने अमल बनकर आई है जनाब फातिमा। आज के दौर की मॉडर्न बीवियां जो अपने शौहरों से तरह तरह की
फरमाइशें करती हैं, अपनी तमन्नाओं का इजहार करती हैं और सवाल करती हैं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए और ये चाहिए। कहीं फंक्शन में गई, शादी में गई या मजलिस में गई, किसी प्रोग्राम में गई, बाजार में जाने के बाद देखा कोई अच्छी चीज है तो अपने शौहरों से जो लोग फरमाइशें करती हैं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसी ड्रेस चाहिए और ये जेवर चाहिए। बेचारे की आमदनी है 20,000 रुपए और 50,000 का उनका सवाल मौजूद है, तो कहां से लाएंगे बेचारे। इन तमाम मॉडर्न दौर की मॉडर्न बीवियों को तवज्जो देना चाहिए। मौलाए कायनात अपनी बीवी के सराहने बैठे हैं, जनाब सैयदा दुनिया से रुखसत होना चाहती हैं, तो अली करीब गए हैं, जनाब सैयदा ने वसीयतें की हैं और उसके बाद जनाब सैयदा ने पूछा, ऐ अली कुछ कैसा कोई मुझसे खिदमत में कमी रह गई हो तो माफ कर देना। और मौलाए कायनात ने भी पलट के कहा, ऐ सैयदा अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना। आज के शौहर बीवी से माफी मांगते हुए शर्माते हैं और अपनी मर्दानगी इसी में रखते हैं कि हम चाहे जुल्म कर ले मगर माफी ना मांगे। मगर अली जैसा शुजा, अली जैसा बहादुर अपनी बीवी से कह रहा था, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना, अपने बाबा से जाके शिकायत ना करना। तो जनाब सैयदा ने कहा, अगर कोई फरमाइश हो तो जाते जाते मैं पूरी करूंगी, अगर कोई ख्वाहिश हो तो बयान कर दो। तो एक मरतबा अली ने कहा था, हाँ सैयदा मेरी जिंदगी की एक तमन्ना है, एक आरजू है, वो पूरी करती जाओ। मुझे मालूम है तुम जाने वाली हो, मगर जाने से पहले मेरी आरजू है, मेरी तमन्ना है, वो जिंदगी की तमन्ना पूरी कर दो। तो जनाब सैयदा ने पूछा था, अबुल हसन जल्दी से बताओ तुम्हारी तमन्ना क्या है, वक्त बहुत कम है, मैं जल्दी से उस तमन्ना को पूरी करके जाना चाहती हूं। तो जनाब मौला कायनात ने कहा था, ऐ फातिमा जब से तुम मेरे घर में आई हो आज तक तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं। मॉडर्न दौर की मॉडर्न बीवियों के लिए जो अपने शौहरों से तरह तरह की फरमाइशें करती हैं, तमन्ना का इजहार करती हैं, वो तवज्जो दें कि मौलाए कायनात जनाब फातिमा से कह रहे हैं, जब से मेरे घर में आई हो और आज तक जबकि दुनिया से जाने वाली हो तुमने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा। अली की तमन्ना है, कोई सवाल करो ताकि अली पूरा कर दे। पूरी जिंदगी जनाब सैयदा का अपने शौहर से कोई सवाल न करना। कयामत तक पैदा होने वाली कनीजाने जनाब फातिमा और तमाम बीवियों को ये चैलेंज है और ये सबक है और ये दर्स है कि अपने शौहरों से तरह तरह की फरमाइशें करना और सवाल उनके सामने रखना यह औरत का कमाल नहीं है बल्कि औरत का जवाल। सीरत फातिमा है कि अपने शौहरों से सवाल न करो। हम मर्द तो खुश हो गए होंगे कि कोई सवाल करने से आज मना कर दिया गया है। हम इससे जब भी कभी हमारी बीवी कोई सवाल करेगी, किसी तमन्ना का इजहार करेगी तो हम कहेंगे कि जनाब सैयदा की सीरत पर अमल करो, उन्होंने अपने शौहर से कभी कोई सवाल नहीं किया था। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी और मेरे नौजवानों सुनो, दूसरा जवाब भी तो सुन लो जो मर्दों के लिए है। ये जवाब तो औरतों के लिए था कि औरत हो बीवी को बहसियत बीवी अपने शौहर से कोई सवाल ना करना चाहिए, लेकिन जरा जनाब फातिमा का जवाब भी तो सुन लो। मौला कह रहे थे कि जब से तुम आई हो मेरे घर में मुझसे कोई सवाल नहीं किया है, कोई सवाल करो। तो जनाबे सैयदा ने जो जवाब दिया वो तमाम मर्दों के लिए जो औरतों के सवाल से घबराते हैं और तमन्ना पूरी नहीं करते हैं, उन तमाम मर्दों के लिए ये नमूने अमल है। जनाबे फातिमा ने जवाब दिया है, अबुल हसन मैं तुमसे सवाल ही कैसे करती, इसलिए जो कुछ मेरी जरूरत होती थी वो जरूरत के वक्त आने से पहले तुम मेरी जरूरत को पहले ही पूरा कर दिया करते थे, तो मैं तुमसे सवाल कैसे करूं। आइए देखिए, औरत का कमाल यह है कि अपने मर्द से कोई सवाल ना करे और मर्दों का कमाल यह है कि वह औरत को यह मौका ही ना दे के वो सवाल करे। जो उसकी तमन्ना है, जो उसकी जरूरत है, उसे वक्त आने से पहले उसे पूरा कर दो तो तुम गुलाम मौला कायनात कहलाओगे। औरत की जरूरत हो और तुम उसकी जरूरत को पूरा ना करो, ये सीरत अली के खिलाफ। अगर तुम गुलाम मौला कायनात हो तो सीरत मौला कायनात पर अमल करो। अगर मेरी बहनें कनीजाने जनाब फातिमा हैं तो वो सीरत फातिमा पर अमल करो। आज के मॉडर्न दौर की तमाम बीवियां तवज्जो के साथ सुने। आज की वो बीवियां भी जो थोड़ी सी तकलीफ अगर ससुराल में होती है तो अपने महके वालों को बता दिया करती हैं। दूसरी फातिमा की सीरत यह है और कयामत तक कनीजाने फातिमा के लिए सीरत है ये।
जो अपने महके वालों को अपनी तकलीफों से आगाह करती हैं, परेशानियों को बताती हैं। जनाब सैयदा ने जिस दिन अली के घर कदम रखा और दुनिया से जाने का वक्त आया, कभी भी अपने बाबा को किसी भी तकलीफ के बारे में नहीं बताया। कई कई दिन फाके से गुजरे, बाबा को नहीं बताया। बच्चे फाके से रहे मगर बाबा को नहीं बताया। यही सबब है कि तारीख में एक वाकया मिलता है, तारीख में एक वाकया मिलता है कि तीन दिन से बच्चे फाके से थे। अली जब घर में आए तो जनाब फातिमा ने कहा, अबुल हसन अब बच्चों की भूख और प्यास देखी नहीं जाती, कुछ इंतजाम करो। मौला कायनात घर से बाहर आए, एक यहूदी के बाग में जाके उन्होंने मजदूरी की, मजदूरी के पैसे मिले। मौला कायनात बहुत खुशी के साथ घर की तरफ चले और ये सोच के चले कि कुछ खाने पीने का इंतजाम आज हो जाएगा, मगर अभी अपने घर तक न पहुंचे थे, उन्होंने देखा जनाब मिकदाद है जो बड़ी परेशानी के आलम में घर से निकले हैं। जब वो करीब पहुंचे, सलाम किया तो मौला ने कहा, क्या मिकदाद ये तो बताओ कि तुम परेशान क्यों हो? तो जनाब मिकदाद ने कहा कि मौला क्या बताऊं, दो तीन दिन हो गए हैं खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, अब बच्चों की भूख और प्यास और उनकी कमजोरी और ज़ईफ़ी को देखा नहीं जाता है। तो मौला कायनात ने मिकदाद की तकलीफ को सुना, उसके बच्चा उनके बच्चों की भूख और प्यास के बारे में सुना तो मौला से रहा ना गया। आपने जितने पैसे मजदूरी के मिले थे वो सारे के सारे पैसे जनाब मिकदाद को दे दिए कि जाओ जल्दी से जाओ और बाजार से खरीद के लाओ और अपने बच्चों की भूख और प्यास का इंतजाम करो। अब मौला के हाथ से वो पैसे भी चला गया था, अब घर की तरफ कैसे जाए? लिहाजा मौला मस्जिद में आके बैठ गए और मस्जिद में जो नमाज से फारिग हुए और उठे मुसल्ले से तो रसूल खुदा करीब आए और रसूल खुदा ने आने के बाद यह कहा कि अली एक हफ्ता गुजर गया, तुमने आज तक मेरी दावत नहीं की, आज मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारा मेहमान बन जाऊं। अब अली जवाब कैसे देते, मना कैसे करते? लिहाजा रसूल खुदा को अपने साथ लेके बैतुल अपने घर में तशरीफ ले आए। बस जैसे ही जनाब सैयदा ने मौला कायनात के साथ बाबा को आते हुए देखा तो घबरा गई, आग के इशारे से पूछा, ए अबुल हसन बाबा कैसे आए हैं? और आग के इशारे ही से मौला कायनात ने जनाब सैयदा को बताया कि खाना खा आज दावत में खाना खाने के लिए आए हैं। तो जनाब सैयदा परेशान हो गई, तीन दिन से बच्चे भूखे प्यासे हैं, तीन दिन से बच्चे भूखे प्यासे हैं, अब बाबा भी मेहमान बनकर आ गए हैं तो खाने का इंतजाम कहाँ से करूँ? एक मरतबा अपने हुजरे में गई, मुसल्ला बिछाया, दुआ के लिए हाथ उठाए, ए अल्लाह अबुल हसन की इज्जत हम लोग तेरे हाथ में है, घर में बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे बाबा तेरे नबी तेरे महबूब भी घर में आ गए हैं, मेहमान बनकर आए हैं, तो मैं उनकी खिदमत में कैसे खाना पेश करूं? अभी जनाब सैयदा दुआ मांगी रही थी, उन्हें ताजा खाने की खुशबू महसूस हुई, अब जो आंख खोली तो देखा कि मुसल्ले के करीब बे इंतहा जन्नत के खाने रखे हुए हैं, जिब्रील अमीन ने जन्नत के खाने पहुंचा दिए, मौला कायनात ने खुशबू को सूंघा, घबरा के हुजरे फातिमा में कदम रखा, देखा खाने रखे हुए हैं, पूछा ये खाने कहां से आए? जनाब सैयदा ने माजरा बताया, मुझे फख्र हुआ, अरे कभी इनके घर की पकी हुई रोटियां जन्नत वाले लेकर जाते हैं और कभी जन्नत के खाने इनके घर चले आते हैं। तीन दिन के बच्चे भूखे थे मगर बाबा आ गए। तो जनाब फातिमा ने अपने बाबा से ये नहीं कहा कि बाबा तीन दिन से बच्चे भूखे से हैं, तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कहां से करो? तमाम वो औरतें जो अपने मैके वालों को अपने शौहर की तरफ से मिली हुई तकलीफ या कोई किसी किस्म की परेशानी बता दिया करती हैं, उन तमाम औरतों के लिए ये नमूने अमल है जनाब सैयदा की सीरत कि चाहे कैसा भी दौर हो, अपने शौहर की इज्जत की खातिर कभी अपने मैके वालों को अपनी ससुराल की तकलीफ के बारे में ना बताओ। सीरत फातिमा पर अमल करोगी तो फिर कयामत के जनाब सैयदा तुम्हारी सिफात करेगी। मौला कायनात पूछ रहे हैं, मौला कायनात पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारा कोई सवाल हो तो मैं पूरा कर दूं। जनाब सैयदा से जब इसरार किया तो जनाब सैयदा ने कहा, अबुल हसन जब इतना ही इसरार कर रहे हो तो एक अनार खाने को दिल चाहता है, अनार का इंतजाम कर दो। मौला कायनात के सवाल के सामने जनाब सैयदा की तरफ से पहला और जिंदगी का आखिरी सवाल मिला, मौला खुश हो गए, बहुत खुशी के साथ घर से बाहर आए और घर से बाहर आने के बाद अनार को तलाश करना शुरू किया, मगर ए अली के चाहने
वालों, वो फसल अनार के फसल का जमाना नहीं था, पूरी मार्केट में पूरे बाजार में कहीं आम अनार न मिल सका, मगर एक यहूदी के पास एक अनार दस्तियाब हुआ। उस यहूदी ने वक्त से फायदा उठाया, एक बहुत बड़ी कीमत मौला से ली, मौला ने उसकी कीमत अदा कर दी और उस अनार को खरीद लिया। और बड़ी खुशी खुशी अली फातिमा अपने घर की तरफ चले। फातिमा ने जिंदगी का पहला सवाल किया है और अली ने पूरा कर दिया, मगर अभी घर तक न पहुंचे थे, एक खराबे से, एक टूटे हुए मकान से किसी के कराने की आवाज आने लगी। मौला उस टूटे हुए मकान में दाखिल हुए, क्या देखा कि एक जईफ है, एक बूढ़ा है, बीमार है, मरीज है, बहुत कमजोर और लागर है। मौला आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद उसके सर को अपने जानों के ऊपर रखा, उसके चेहरे को साफ किया। भाई तुम कौन हो और तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं? तो उसने कहा मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। कहा तुम्हारी कोई खदमत? कहा कोई खदमत गुजार नहीं है, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। कहा तुम्हारे किसी चीज को दिल चाहता है? कहा भूखा और प्यासा हूँ, मगर इस हालत में मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया से जाने से पहले अनार खाऊं। उसने भी अनार खाने की तमन्ना का इजहार कर दिया। अली के चाहने वालों सुनो, मौला ने उस अनार को देखा, उस अनार के दो टुकड़े किए और आधा अनार उसे खिला दिया। और जब आधा अनार वो खा चुका तो मौला ने कहा तुम्हारी तबीयत शेर हो गई? कहा नहीं, और प्यास लगी है, मुझे और अनार चाहिए। तो मौला ने आधे अनार के भी दो टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा भी उसको खिला दिया। और उससे पूछा अब क्या है? कहा प्यास और लगी है, ज्यादा मुझे थोड़ा अनार और चाहिए। तो मौला ने आखिरी दाना भी उसके हलक में निचोड़ दिया और जब पूरा अनार उसने खा लिया तो उसने कहा मैं बिल्कुल सही हूं, अब मेरी तबीयत भी खराब नहीं है और जोर भी खत्म हो गया है, लिहाजा आप तशरीफ ले जाइए। मौला कायनात उठे उसके सराहने से और घर की तरफ चले, मगर कैसे जाते हैं? फातिमा की जिंदगी का पहला और आखिरी सवाल जो अली पूरा ना कर सके, मगर बहरहाल किसी तरह से दरवाजे पर कदम रखा, आहिस्ता से दरवाजे को दक्कुल बाप किया। जनाब फिजा ने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही ताजा अनार की खुशबू को महसूस किया। तो फिजा ने पूछा, फिजा मैं अनार की खुशबू महसूस कर रहा हूँ? काबुल हसन अभी कुछ देर पहले एक आदमी आया था, एक तबक भरे हुए अनार पेश किए और उसने कहा बाजार से अबुल हसन ने फातिमा के लिए ये अनार भेजे हैं। अब आप समझे, वो खराबे में पड़ा हुआ वो आदमी, जईफ और कमजोर बूढ़ा, वो कोई दुनिया का बूढ़ा आदमी नहीं था, वो जन्नत का फरिश्ता था जो अली का इम्तिहान लेने के लिए आया था। जब अली इम्तिहान में कामयाब हो गए, तो फिर अल्लाह ने जन्नत के ताजा अनार अली की तरफ से फातिमा की खदमत में पेश कर दिए। अजीब और गरीब इस घर से उस घर का रिश्ता है, जन्नत से इस घर का इतना कदीम और मजबूत रिश्ता है कि अगर उधर जरूरत होती है तो इधर का सामान उधर चला जाता है और जब इधर जरूरत होती है तो उधर का सामान इधर आ जाता है। सीरत फातिमा, मुकम्मल सीरत फातिमा, बहसियत बेटी, बहसियत बीवी, बहसियत मां, करबला के मैदान में, बहसियत बेटी जो करबला के मैदान में आई वो भी फातिमा का मुकम्मल नमूना, बहसियत बीवी करबला के मैदान में जो औरत आई वो सीरत फातिमा पर अमल करने वाली बीवी, और बहसियत माँ जितनी माए करबला में आई उनके सामने सीरत फातिमा मौजूद। कैसी बेटी करबला में आई, कैसी बीवी करबला में आई, कैसी माँ करबला में, जनाब सकीना जैसी बेटी, जनाब रबाब उम्मे लैला जैसी बीवी, जनाब जैनब उम्मे लैला जैसी माँ करबला में आई, जिन्होंने हर तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीन खुदा को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानियां दी। बेटी ने भी कुर्बानी दी, बीवी ने भी कुर्बानी दी, माँ ने भी कुर्बानी दी। और खुदा की कसम, अगर ये मुकम्मल औरत करबला के मैदान में न होती तो फतेह हुसैनी की लहरें करबला के अंदर घुट घुट के खत्म हो जाती और करबला से आगे फतेह हुसैनी की लहरें न पहुंचती। ये बेटी थी करबला की, ये बीवी थी करबला की और ये माँ थी करबला की कि जो फतेह हुसैनी के सैलाब को करबला से लेकर चली, कूफे में इब्न ज़ियाद के तख्त को गिराया और शाम में जाकर इस सैलाब को यजीद के तख्त से टकरा दिया, जहां यजीद भी डूब गया, यजीदियत भी फना हो गई। आप देखें कि फातिमा की बेटी यजीद के दरबार में किस शान से गई, क्या रोग था, क्या जलाल था,
मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूं, जनाब जैनब हैं यजीद के दरबार का दरवाजा है, लूटे हुए काफिले को रोका गया है। जब काफी देर हो गई, काफिला आगे नहीं बढ़ा, तो जनाब जैनब जनाब फातिमा की बेटी ने जनाब फिजा को बुलाया, कहा फिजा देखो सिमर से जाके पूछो कि हमें यहाँ क्यों रोका गया है। जनाब फिजा ने सिमर से जाके पूछा कि शहजादी मालूम कर रही है हमें यहाँ क्यों रोका गया, आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता। तो सिमर ने बताया कि दरबार सजाया जा रहा है, तमाशाइयों को बुलाया जा रहा है, जब दरबार सज जाएगा तमाशाई आ जाएंगे, असीरों का तमाशा दिखाना है, तो उसके बाद लुटे हुए काफिले को आगे बढ़ाया जाएगा। फिजा ने आगे बताया है शहजादी सेवर ने बताया है कि दरबार सजाया जा रहा है, तमाशा देखने वालों को बुलाया जा रहा है, जब वो कुर्सियों पे आके बैठ जाएंगे तब हमें दरबार में ले जाया जाएगा ताकि सब लोग हमारा तमाशा देखें। तो जनाब जैनब ने जनाब फिजा से कहा कि जाओ शिमर से जाके कह दो कि फातिमा की बेटी को बगैर चादर के दरबार यजीद में जाते हुए शर्म आती है, गैरत आती है, लिहाजा कुछ चादरों का इंतजाम कर दे ताकि हम अपने सर पर चादर डालकर यजीद के दरबार में जाए। फिजा ने पैगाम फातिमा जहरा की बेटी का पैगाम पहुंचाया, शेवर ने पलट के जवाब दिया जाके जैनब से कह दो हम तमाशाई इसीलिए तो बुला रहे हैं ताकि तुम्हें बेपर्दा दिखाया जा सके और तुम्हारा तमाशा सब देखें, चादरों का इंतजाम नहीं होगा। जब शिव ने पलट के जैनब से कह दिया कि बगैर चादर के दरबार में ले जाया जाएगा ताकि अच्छी तरह से तमाशा देखने वाले तुम्हारा तमाशा देखें, तो हैदर कर्रार की बेटी को जलाल आ गया। एक मरतबा आवाज दी फिजा मेरे करीब आओ, उम्मे कलसूम मेरे करीब आओ, सकीना मेरे करीब आओ, रबाब मेरे करीब आओ, मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना, देखो इस तरह से हमें दरबार यजीद में कौन ले जाएगा। एक मरतबा जैनब ने हाथों को उठा मगर बद्दुआ के लिए जैसे ही हाथ पांव उठे वैसे जैनब की निगाहें सरे हुसैन पर पड़ गई, क्या देखा हुसैन की आंखों से आंसू जारी है। एक मर्तबा जैनब ने हाथों को जोड़ दिया, क्या भैया अली अकबर के सीने पर बर्छी लगी तू ना रोया, अब्बास के शाने कलम हुए तू ना रोया, अली असगर के गले पर तीर लगा तू ना रोया, मगर भैया मुझे बता ताजा मुसीबत कौन सी नाजिल हुई जो तेरी आंखों में आंसू आ गए। एक मर्तबा हुसैन के सर से आवाज आई, ये बहन सारी मुसीबतें रायगा हो जाएंगी, दरबार यजीद में सरबरा न चली जाओ। बस जैसे हुसैन की आवाज सुनी जैनब ने अपने हाथों को गिराया, जाने के लिए आमादगी का इजहार कर दिया। शिव ने लुटे हुए काफले को आगे बढ़ाया, लुआदादारों जैनब लुटे हुए काफले के साथ दरबार यजीद में दाखिल हुई, तमाशाइयों का मजमा था, जैनब को गैरत आ रही थी, लिहाजा तमाम औरतों ने जैनब को अपने हलके में ले लिया, मगर जैसे ही दरबार यजीद में जैनब ने कदम रखा फातिमा की बेटी के चेहरे के चेहरे से रोब और जलाल इस तरह से नुमाया था कि पूरे दरबार की निगाहें झुक गईं। और यजीद ने इस रोब और जलाल के साथ आते हुए जब किसी खातून को देखा तो सिमर को जल्दी से बुलाया, ये बताओ जो हल्कों के दरमियान हल्के के दरमियान जो औरत है जिसके रोब और जलाल का आलम यह है कि सबकी निगाहें झुकी जा रही हैं, ये औरत कौन है? तो सिमर ने बताया है यजीद ये फातिमा की बेटी जैनब है, अली की बीवी जैनब है, ये हुसैन की बहन जैनब है, ये अब्बास जैसे बहादुर की बहन जैनब है, ये अली अकबर जैसे बहादुर की फूफी है। तो जनाब दो यजीद ने जब ये जैनब के मुतालिक सुना तो एक मरतबा औरतों से कहा कि सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ, मैं जैनब से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, आजादारों ये आखिरी फिक्र है मेरे, जैनब के सामने से हट जाओ, मैं जैनब से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो औरतों ने हटने से मना कर दिया, जब औरतों ने सामने से हटने जैनब सामने हटने से मना किया तो शिमर को इजाजत मिली, शिमर को हुक्म मिला कि ताजियाने के जोर पर सारी औरतों को हटा दो ताकि मैं जैनब से गुफ्तगू कर सकूं। शिमर ताजियाना लेकर आगे बढ़ा, एक एक औरत को सामने से हटा दिया गया। जब सारी औरतें हटने लगी तो जनाब फिजा आगे बढ़ी और फिजा आगे बढ़कर जैनब के साथ जनाब जैनब के सामने खड़ी हो गई, ऐ शिमर चाहे तू मुझे मार डाल मगर मैं अपनी शहजादी के सामने से ना हटूंगी। जब जनाब फिजा ने शहजादी के सामने हटने
मना किया तो यजीद ने अपने एक हबशी गुलाम को हुक्म दिया कि जाके ताजियाने से ताजियाने के जोर पर फिजा को हटा दो। वह हबशी गुलाम आगे बढ़ा, एक मरतबा फिजा की निगाह यजीद के पीछे खड़े हुए हबशी गुलाम जो मुहाफिज के तौर पर खड़े हुए थे उन पर निगाह पड़ी। फिजा ने फौरन अपने हबशी भाइयों को पुकारा, अरे हबश के रहने वालों मेरे भाइयों, तुम्हारी बहन के ऊपर शिमर ताजियाना उठा रहा है और तुम खड़े हुए देख रहे हो, अरे अपनी भाई बहन की मदद क्यों नहीं करते। बस जैसे फिजा ने हबशी गुलामों को आवाज दी, एक मरतबा हबशी गुलामों को जलाल आ गया। उन्होंने अपनी तलवारों का नियाम से निकाल लिया और तलवार लेकर यजीद के सामने आ गए। अरे यजीद, हमारी बहन पर हाथ उठाया तो खून की नदियां बह जाएंगी, हम अभी तलवार चलाना शुरू कर देंगे। यजीद ने इशारा दिया, ताजियाना जो उठा हुआ था वो गिर गया। जैनब से दूर जालिम चला गया, जालिम को हटते हुए देखा, हबशी गुलामों के हाथों में तलवारें देखी तो एक मरतबा जैनब का दिल तड़प गया। एक मरतबा ने जब रुक करके पुकारा, ए बाबा, बकी का रुक करके कहा, ए अम्मा दरबारे यजीद में आओ, देखो एक हबशी कनीज को बचाने वाले इतने मौजूद है, मगर हाय जैनब की बेकसी, हाय फातिमा की बेटी की बेकसी, हाय अली की बेटी की बेकसी, क्या फातिमा जहरा की बेटी को बताने वाला कोई नहीं है। जैनब रो रही है, हुसैन की आंखों में आंसू है, सरे अब्बास रो रहा है, जैनब बेकस नजर आ रही है। सयालमुल लजीना ज़लमु अय्यामुन क़लबियन क़लबून अला लानतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे इलाही बिहक ज़हरा इलाही बिहक ज़हरा इलाही बिहक ज़हरा इलाही चारदा मासूमीन का वास्ता हमारी इस मुख्तसर अदा को कबूल फरमा, पालने वाले चारदा मासूमीन का वास्ता हमारे नौजवानों को सीरत मौलाए कायनात पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा और हमारी बहनों को सीरत फातिमा पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। हम में जो गरीब है उनकी गुरबत को दूर फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मरीज है उन्हें सेहत व शिफा इनायत फरमा। शी आने हैदर करार की पूरी कायनात में हिफाजत फरमा, इमाम का जहूर जल्द अज जल्द फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शामिल। बाजार नहीं होते तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मसतूरा कैद नालावर इंज बाजार सजद नहीं होते तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मसतूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होते तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मसतूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होते तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मसतूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होते तेरा अपना नसीब है कदी जदो मसतूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होते तेरा अपना नसीब है कदी जदो मसतूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होते तेरा अपना नसीब है कदी जदो मसतूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होते तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मसतूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होते तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मसतूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होते तेरा अपना नसीब है कैदी जिंदी गुरबत कमर तरोड़े जिंदी गुरबत कमर तरोड़े गल चौका दे बार नहीं होते तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मसतूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होते
तेरा अपना नसीब है करदे जदो मसफूरा कैद नाल आवे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है करदे जदो मसफूरा कैद नाल आवे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मस्तूरा कैद नाल आवे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जिंद गुरबत कमर तरोड़ोगे जिंद गुरबत कमर तरोड़ोगे गलच तो का दीवार नहीं होंदे तेरा अपना सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मस्तूरा कैद नाल आवर इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी मार पते तेरी अपुपिया ने तेरे दादे अली दा नाचेंदे बदले होंदे उदार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मस्तूरा सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मस्तूरा कैद नाल आवे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मस्तूरा कैद नाल आवे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी मारे पते तेरे पुपिया नू तेरे दादे अली दा नाचेंदे बदले होंदे ते नाल पुत्तरांदे जिया दे सर उदार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदे जदो मस्तूरा कैद नाल आवे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मस्तूरा कैद नाल आवे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मस्तूरा कैद नाल आवे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जिंद गुरबत कमर तरोड़ोगे जिंद गुरबत कमर तरोड़ोगे गलच तो का दीवार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जिंद गुरबत कमर तरोड़ोगे जिंद गुरबत कमर तरोड़ोगे गलच तो का दीवार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मस्तूरा कैद नाल आवे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मस्तूरा कैद नाल आवे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदो मस्तूरा कैद नाल आवे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी रंग मुंगवे दिए बेरावा ते तेरे बहरे
नसीब है कैदी चलो मस्तू कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी चलो मस्तू कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदो मस्तू कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी तेरे दिल ते वरम है सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदो मस्तूरा कैद ना लावन इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदो मस्तूरा कैद ना लावन इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी सजदे बाजार नहीं होंगे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जेंदी गुरबत कमर तलवार उदे जेंदी गुरबत कमर तलवार उदे गज तो कादे बार नहीं होंगे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जेंदी गुरबत कमर तलवार उदे जेंदी गुरबत कमर तलवार सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावन इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावन इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी ਕਾਜੇ ਬੋਲਦੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਜਦੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰੇ ਹੋਰ ਹੋ ਕੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਨਸੀਬ ਹੈ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਬਸ ਤੂੰ ਕੈਦ ਨਾ ਲਾਵੇ ਇੰਜ ਸਜਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਨਸੀਬ ਹੈ ਕੈਦੀ ਜਦੋਂ ਮਸਤੂਰਾ ਕੈਦ ਨਾ ਲਾਵਣ ਇੰਜ ਸਜਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਨਸੀਬ ਹੈ ਕੈਦੀ ਜਦੋਂ ਮਸਤੂਰਾ ਕੈਦ ਨਾ ਲਾਵਣ ਇੰਜ ਸਜਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਨਸੀਬ ਹੈ ਕੈਦੀ ਕਾਗੇ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਜਦੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰੇ ਹੋਰ ਹੋ ਕੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਨਸੀਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਸਤੂਰ ਕੈਦ ਨਾ ਲਾਵੇ ਇੰਜ ਸਜਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰਾ
नसीब है कैदे जदो मस्तूरा कैद इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदे जिंज गुरबत कमर तरोड़े जिंज गुरबत कमर तरोड़े गज दोगा दे बाल नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदो मस्तूरा कैद ना लावण गंज सजते बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी आवे हरमान दगिन तेरा शाला तेरी अखिया दा खून रोके भावे मेरा दिल किदा मर जावे तेरे दुख शुमार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कदी जदो मस्तूरा कैद ना लावें इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कदी जदो मस्तूरा कैद ना लावें इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदो मस्तूरा कैद ना लावण इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी आवे हरमान दगिन तेरा शाला तेरी अखिया दा खून रोके भावे मेरा दिल किदा मर जावे पर तेरे दुख शुमार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कदी जदो मस्तूरा कैद ना लावें इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कदी जदो मस्तूरा कैद ना लावें इंज सजदे बाजार नहीं होंदे बाल नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदो मस्तूरा कैद ना लावण इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी तेरे दिल ते पर मैं पढ़ दिया दा तू कैदी कुरान दर दादा जेड़े पानी दी जाते रखड़ो मन इंज दे वे बीमार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदो मस्तूरा कैद ना लावण इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा सजाद मुहारी नू नशा में ते लोगा ने बाजार फिराए सजाद मुहारी नू नशा में ते लोगा ने बाजार फिराए सजाद मुहारी नू नशा में ते लोगा ने बाजार फिराए सजाद मुहारी को नशा में लोगा ने बाजार फिराए सजाद मुहारी को नशा में लोगा ने बाजार फिराए सजाद मुहारी को नशा में लोगा ने बाजार फिराए सजाद मुहारी को नशा में लोगा ने बाजार फिराए नौ घंटे शराबी दे दरबार दे विच ज़ैना जेड़े खुतबे सुनाए नौ घंटे शराबी दे दरबार दे विच ज़ैना जेड़े खुतबे सुनाए शाम दे लोगा ने बाजार फिराए सजा
जाद मुहारी को ए नशा में से लोका ने बाजार फिराए हैं। सजाद मुहारी को ए नशा में से लोका ने बाजार फिराए हैं। आए बाजार तो बद गई है दरबार दे विच पेशी बीमार मुहारी दी बल मर्द गई हो सी कैमेल कचहरी विच अकबर दिया मावा दे नाश मिलन चाहे जै वेले कचहरी विच अकबर दिया मावा दे नाश मिलन चाहे नौकर ते शराब दे दरबार दे विच जैला जेड़े खुतबे सुनाए नौकर ते शराब दे दरबार दे विच जैना जे खुतबे सुनाए सजाद मुहारी को ए नशा में दे लोगा ने बाजार फिराए सजाद मुहारी को ए नशा में दे लोगा ने बाजार फिराए बाजार तो बद गई है दरबार दे विच पेशी बीमार मुहारे दी मन मर्द गई हो सी जै वेले कचहरे विच अकबर दिया मावा दे नाश मिलन चाहे जै वेले कचहरे विच अकबर दिया मावा दे नाश मिलन चाहे अरे बाजार तो बद गई है दरबार दे विच पेशी बीमार मुहारे जी बद मर्द गए हो सी जै वेले कचहरी विच अकबर दिया मावा दे नाश मरन चाहे वेले कचहरी विच अकबर दिया मावा दे नाश मरन चाहे सजाद मुहारी को ए नशा में दे लोका ने बाजार फिराए सजाद मुहारी को ए नशा में दे लोका ने बाजार फिराए नौकर ते शराबी दे दरबार दे विच जैना जेड़े खुद बे सुनाए नौकर ते शराबी दे दरबार दे विच जैना जेड़े खुद बे सुनाए सजाद मुहारी को ए नशा में दे लोका ने बाजार फिराए मावा को पट जिगर गया आप दे सारा दिया नुहा दे जेड़ा बुरके लहाए पट जिगर गया आप दे सारा दिया नुहा दे जेड़ा बुरके लहाए नशा में दे लोका ने बाजार फिराए सजाद मुहारी को ए नशा में दे लोका ने बाजार फिराए अरे बेजुर्म सजाया है सजाद मुहारी को सर नंगे टुराया है अकबर दिया मावा को
जिगर गया आप दे सारा दिया नोहा दे जडबुर के लहाए पट जिगर गया आप दे सारा दिया नोहा दे जडबुर के लहाए शाम दे लोका ने बाजार फिराए हैं नौ घंटे शराबे दे दरबार दे विच सैना जेड़ खुतबे सुनाए नौ घंटे शराबे दे दरबार दे विच सैना जेड़ खुतबे सुनाए हैं सजाद मुहारे को शाम दे लोका ने बाजार फिराए ओ दुखे मारे ने पदर शाह को कोई न बना देदा बीमार मुहारे को हद मुक गई गरीबे दे मैं दर्द गया मौला न तो पवाए हद मुक गई गरीबे दे शाम दे लोका ने बाजार फिराए है सजाद मुहारे को इन शाम दे लोका ने बाजार फिराए है सजाद मुहारे को इन शाम दे लोका ने बाजार फिराए है दुखे मारे ने पदर शाह को पना देदा बीमार मुहारे को हद मुक गई गरीबे दे दर्द गया मौला न तो पवाए हद मुक गई गरीबे दे दर्द गया मौला न तो पवाए गाजी
बाजी साड़ के खेमे लोका ने हाय लुटी ले पाकरी दा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता बकिया भी कदी ना तेरे बाजो जानी किवे मैं शाम नू जावा डसा जा मेरे चार चफेरे शामी ने कोई वीर ना नाल रिया जो जानी किवे मैं शाम नू जावा साजा गाजी मेरे चार चफेरे शामी ने कोई वीर ना नाल रिया चादर मेरी नाल ले चली आलम मैं अमानत तेरी तेरे कोल अमानत छाड़ी चलिया मैं कफनो बाज बिरा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया ए जो चादर मेरी नाल ले चली
ਸਾਡੇ ਸਾਰ ਕੇ ਖੇਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਏ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਾਕ ਰਿਦਾ ਕਿੰਜ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਾਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਬੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾੜ ਕੇ ਖੇਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਏ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਾਕ ਰਿਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਾਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਬੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰ ਕੇ ਖੇਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਏ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਾਕ ਰਿਦਾ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮੁਹੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀੜੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੂੰ ਸੈਨ ਬੁਲਾਦਾ ਸੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦੀ ਦੇਣ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾੜ ਕੇ ਖੇਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਏ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਾਕ ਰਿਦਾ ਕਿੰਜ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਾਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ
ਆਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਬੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹਾਲ ਮੇਰਾ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد متوجه زيارت صلى الله عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوصين السلام عليك يا ابن فاطمه الزهراء سيدتي نساء العالمين صلاه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام علیکہ یا غریب الغربہ السلام علیکہ یا معین الضعفائے والفقرہ سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیکہ علف التحیتی وستنا الصلاة والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 من فتن زمان السلام علیکہ یا شریک القرآن سیدی جل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وذهولك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا توا وتمتعه فيها طويلا من محمد والي محمد صلوات اللهم